तो आज के टाइम में फोकस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फोकस यदि हम नहीं रख पाएंगे किसी भी चीज़ पे, फिर यहाँ पे करियर में उतनी सक्सेस नहीं मिलती। लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, मैं कैसे अपना फोकस बढ़ाता हूँ। फोकस यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने कोई बुक रीड कर ली और फोकस बढ़ जाएगा। फोकस आपका बढ़ेगा किसी भी एक चीज़ पे। यहाँ पे फोकस का मीनिंग है ध्यान देना है। आज के इस वीडियो में मैं वीडियो शूट नहीं करना चाहता था पहले, लेकिन मैंने सोचा कि शूट कर देता, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, डेली संडे आता हूँ, और डिफरेंट टाइप की जो आवाज़ आती है नेचर के बीच में, जो आवाज़ आती है सिर्फ आवाज़ ही सुनता हूँ, आवाज़ पे फोकस करता हूँ। मैं अकेला ही रहता हूँ ज़्यादातर, और मैं कुछ भी यहाँ पे और वॉइस में रखता नहीं हूँ, मोबाइल में कोई गाने भी नहीं चलाता। और ये जो जगह है दोस्तों, मेरे शहर के पास है, बिल्कुल फॉरेस्ट एरिया है, कोई कॉमर्शियल जगह नहीं है। यहाँ पे सिर्फ मैं अकेला हूँ, इतना बड़ा नेचर है, इतनी बड़ी जगह और कोई नहीं है, बिल्कुल पोल्यूशन नहीं है, कुछ भी आप कह सकते नहीं है। लेकिन मेरा जो मकसद है इस वीडियो को बनाने का, पर्पस यही है कि आप भी मेरे साथ ये महसूस करें कि क्या क्या वॉइस आती है। तो आज अब से 2 मिनट तक मैं कुछ नहीं बोलने वाला, 2 मिनट तक आपको भी यहाँ पे सिर्फ आवाज़ सुननी है जो मैं सुन रहा हूँ। आप महसूस कीजिए आपको कौन कौन सी ऐसी आवाज़ आ रही है, एट द एंड अब इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको पानी की आवाज़ आ रही होगी, बहते पानी की आवाज़, बिल्कुल यहाँ पे नेचुरल जो वॉइस होती है वहाँ पर मैं आधे घंटे तक सिर्फ सुनता रहता हूँ। और कौन कौन सी वॉइस आ रही है, विंड की वॉइस आ रही होगी आपको, पवन की वॉइस आ रहेगी, जो कि अच्छी तरह से यह कैमरा यहाँ पे ऑब्जर्व कर पाता है। मेरे पैरों की चलने की आवाज़ आती होगी, मैं चल रहा हूँ वही भी आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। साथ ही साथ दोस्तों, ये घास की भी एक अजीब सी आवाज़ आती है, जब घास की लहर आती है आप सुन सकते हैं यहाँ पर। साथ ही साथ पक्षियों की आवाज़, पंछियों की आवाज़, मुझे यहाँ पे एक पीकॉक दिखाई दे रहा है दूर से, कैमरा में नहीं आ पाएगा, उनका आवाज़ है, पैरोट का आवाज़ है। जितना दोस्तों हम अपना फोकस बढ़ाते जाते हैं नेचर की आवाज़ को सुनने में, इतना ही हम डीप डिटेलिंग करते जाते हैं किसी भी चीज़ में, डीप डिटेलिंग। इतना दोस्तों यहाँ पे रेयर छोटे छोटे आवाज़ ही जाते हैं। ऐसा एक एक्सपर्ट का मानना भी है कि आप नेचर के साथ जितना भी टाइम बिताओगे, आप जितना फोकस नेचर के वॉइस को सुनने में लगाओगे, उतना ही ज़्यादा आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप के वॉइस सुनाई देंगे। बहुत सारे वॉइस ऐसे भी है जो हमें आजकल सुनाई भी नहीं देते। मैं इसीलिए अकेले आ जाता हूँ, कभी कभी संडे आ जाता हूँ और सिर्फ वॉइस सुनता हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे कॉमर्शियल जगह नहीं है, कोई नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। आप देख सकते हो आप इतने आसपास के एरिया में, कभी कभी मेरा दोस्त होता है मेरे साथ, हम कभी मेडिटेशन करने के लिए आते हैं, तो मेडिटेशन वाला वीडियो जो मेरा एक्सपीरियंस था 1 घंटे सिर्फ अकेले बैठना, वो आपको यहाँ पे एट द एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वह भी चेक कर सकते हो, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। ये लाइफ में दोस्तों ये एक्सपीरियंस अब चाहिए हमारी, यदि उम्र है, हम काम करते हैं, हसल करते हैं, लेकिन ऐसे ही एक्सपीरियंस यदि आप आपके लाइफ में फॉलो करोगे, आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। काम तो हर कोई करता है, लेकिन सिर्फ काम से चीज़ नहीं बनती। काम क्या दोस्तों, यदि रिजल्ट नहीं मिल पाया, काम करते टाइम कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें अपने काम को यहाँ पे एक सक्सेसफुल काम में कन्वर्ट कर देती है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। सक्सेसफुल लोग भी दोस्तों बहुत ज़्यादा, यहाँ पे बायोग्राफी पढ़ता हूँ और आजकल पढ़ने के बाद एक्सपीरियंस मैं खुद करता हूँ। सुनिए आप वापस से आवाज़ सुनिए, अब मैं इस वीडियो में कंक्लूजन पे आता हूँ, मुझे कौन कौन सी आवाज़ सुनाई दे रही है। पहले तक पानी की है, बहता हुआ पानी है, नीचे क्रोकोडाइल भी है, मछलियाँ भी है बड़ी बड़ी, थोड़ी बहुत डरावनी भी लगती है जगह, क्योंकि कोई नहीं है, अकेला हूँ।
इतने एरिया में मैं सिर्फ अकेला हूँ, एक ही यहाँ पे पानी बह रहा है, आवाज आ रही है, ये क्रोकोडाइल है, पैरट है, यहाँ पे पैरट के बहुत सारे घर कह सकते हैं, यहाँ पे पैरट, उनकी आवाज़ है, पीकॉक की आवाज़ है, विंड की आवाज़ है, घास की भी एक अजीब सी आवाज़ है। बहुत बढ़िया और शानदार एक्सपीरियंस रहा। अब भी ट्राई कीजिए आवाज़ पे जितना आप फोकस बढ़ाएंगे। अब मैं इस टॉपिक में डेप्थ में जा रहा हूँ दोस्तों, यदि आपका मेडिटेशन का कॉन्सेंट्रेशन का लेवल बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, फिर आपको एक यूनिवर्स का भी आवाज़ सुनाई देगा। यूनिवर्स, हाँ जी दोस्तों, मैंने एक वीडियो देखा था जो कि यहाँ पे यूनिवर्स के बारे में बात हो रही थी, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेडिटेशन में एक प्रसिद्ध सिद्धि हासिल की थी। वे बात करते कि जब आप एक लेवल तक पहुँच जाते हैं, फिर आपको एक ओम की ध्वनि सुनाई देती है, ओम का आवाज़ आता रहता है, क्योंकि रिफ्लेक्शन दोस्तों वॉइस का, यदि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ये कहीं पर तो टकराता ही है, ये टकराता है यूनिवर्स तक टकराता है। यही एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस शेयर करके मोर दोस्तों एक्सपीरियंस वाले वीडियोस के लिए। अब मैं आपके लिए एक्सपीरियंस वाले वीडियो लाने वाला हूँ, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर सकते हो। मिलता हूँ अगले वीडियो में। अगेन धन्यवाद फ्रॉम सावन सोजित रहा। टेक बर्नर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्स करेंगे इस बड़े से मशीन को।